श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए नंगे पैर ही जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस की सुनवाई 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि सभी वादों की सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका लगाई थी, जिसमें मांग की थी कि मथुरा में चल रहे सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करें। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कहा था कि राष्ट्रहित के मुद्दों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि हमारे पास किराए की व्यवस्था नहीं है, हमारी सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद रजिस्ट्रार को सभी मुकदमों की फाइल समेत दिल्ली तलब किया है। कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और न्यायालय अपना आदेश जारी करेगी कि सुनवाई मथुरा में होगी या इलाहाबाद में। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि वह जहां भी जाते हैं नंगे पैर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी सुनवाई के लिए नंगे पैर ही जाएंगे। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने एक संकल्प लिया था कि जब तक ईदगाह मस्जिद मथुरा से नहीं हट जाएगी, तब तक वह जहां भी जाएंगे नंगे पैर ही जाएंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। मथुरा न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले लगभग एक दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों की सुनवाई चल रही थी सिविल कोर्ट में, तो हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र दिया था कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे को देखते हुए इन सभी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे करे। तो उस पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई न्यायालय में। तो न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंध में मुकदमे चल रहे हैं उन सभी की सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा। इस पर मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि हमारे केसों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में ही चले दी जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है, हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, लिहाजा मथुरा में ही सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लोअर कोर्ट में ही अटकाना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि यहाँ पहले ईदगाह मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जो ये दिखा सके, वो तो बिजली भी चोरी के करके जलाते हैं। हमने जब बिजली की शिकायत की थी तो बिजली चोरी पकड़ी गई और मुस्लिम पक्ष पर ईदगाह कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ था। इसलिए अब कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने इलाहाबाद न्यायालय के रजिस्ट्रार को सभी पत्रावली सहित तलब किया था और न्यायालय ने कहा था कि जितने भी मुकदमे की फाइल हैं उन सबको दिल्ली लाया जाए और उन्होंने सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की डेट लगा दी थी। अब 30 अक्टूबर को कल हम भी दिल्ली जाएंगे और नंगे पैर ही जाएंगे, क्योंकि हमने भी संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक हम भी नंगे पैर रहेंगे।